चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नाउ 7 डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के अंदर, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ये हमारा अगला क्वेश्चन है। कैसे करते हैं एक बार इन शॉर्ट देख लेते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि जो भी हमें दिया गया है क्या वो इस रूल को सेटिस्फाई करता है क्या। अगर वो इस रूल को सेटिस्फाई करता है उसके बाद इस कंडीशन को चेक करना पड़ता है। अगर ये कंडीशन बराबर है उसके बाद ये सोल्यूशन डाल के डायरेक्टली आंसर निकालना पड़ता है। सिंपल एज दैट, इजी पीजी, राइट। शुरू करते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्या आप एक ऐसे इंसान हो जिसको ये लगता है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल इस रूल को सेटिस्फाई करता है? अगर आप एक ऐसे इंसान हो तो आप एक अच्छे इंसान हो, क्योंकि सच में करता है। यहाँ पे देखो, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, सिंपल एज दैट। मतलब बेसिकली रूल को सेटिस्फाई करता है। और यहाँ पे सबसे पहले इसीलिए हम लिखेंगे कि द इक्वेशन सेटिस्फाइज द फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। अगला स्टेप क्या है, कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। सो कंडीशन को चेक करने के लिए हमें m और n का वैल्यू पता होना जरूरी है। अब हमें ये पता है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो है, तो हमें इजीली पता है कि m का वैल्यू ये है और n का वैल्यू ये है, राइट। सो m और n की वैल्यूज हम सेपरेटली यहाँ पे लिखेंगे। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे जो गिवन है ये क्या है और क्यों है मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। सो m और n की वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं। अब m और n की वैल्यूज आ चुके हैं। अब हम सबसे पहले डेल m अपॉन डेल y निकालेंगे, उसके बाद डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, और उसके बाद दोनों की वैल्यू सेम है क्या वो चेक करेंगे। अगर सेम है मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, राइट। सो सबसे पहले डेल एम अपॉन डेल वाई निकालेंगे। यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन हम करेंगे। सो अगर वन को विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट किया तो आंसर जीरो आएगा, क्योंकि उसमें कोई भी वाई का टर्म है नहीं, इसलिए छोड़ देंगे, जीरो नहीं लिखेंगे। अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा? अब यहाँ पे देखो, ई रेस टू एक्स को अगर मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया तो आंसर आएगा ई रेस टू एक्स, राइट। अगर ई रेस टू साइन एक्स को अगर मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया तो इसको मैं एक बार डिफरेंशिएट तो कर लूंगा, बट उसके बाद इसको मुझे फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसको चेन रूल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी चेन रूल अप्लाई करेंगे। चेन रूल तब अप्लाई होता है जब यहाँ पे ऐसा कचरा होता है, ठीक है। सो ये नहीं, यहाँ पे जब ऐसे कचरा होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो अगर इसको हम एक बार विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा ई रेस टू एक्स अपॉन वाई, और अकॉर्डिंग टू चेन रूल इसको हमें फिर से विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अगर एक्स अपॉन वाई को हम विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक तो एक्स बाजू में चले जाएगा क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है, तो बचेगा वन अपॉन वाई। अब इसको हमें विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कर रहा है, तो वन अपॉन वाई को मैं वाई रेस टू माइनस वन भी लिख सकता हूँ क्योंकि वाई ऊपर गया। अब अगर सपोज इसको हम विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। सो क्या है, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। सो अभी यहाँ पे क्या आएगा, माइनस वन वाई रेस टू माइनस वन माइनस वन, ठीक है। सो दैट इज माइनस वाई रेस टू माइनस टू और माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर, ये आएगा। और इसी को उठा के मैं यहाँ पे लिख दूंगा। सो दैट इज मतलब यहाँ पे एक्स अपॉन वाई स्क्वायर ये आ गया, ये आपका फाइनल आंसर है डेल एम अपॉन डेल वाई का। अब डेल एन अपॉन डेल एक्स के ऊपर जंप करेंगे। सो अब यहाँ पे देखो, इसको हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे इस टर्म में भी एक्स है और इस टर्म में भी एक्स है, तो यू वी रूल लगेगा। यू वी रूल क्या कहता है, यू वी रूल ये कहता है कि सबसे पहले एक को साइड में रखो और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करो, उसके बाद दूसरे को साइड में रखो, पहले वाले का डिफरेंशिएशन करो। सो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको साइड में रखते हैं और इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करते हैं। सो अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया तो आंसर आएगा जीरो, और अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया तो क्या आंसर आएगा, माइनस वन अपॉन वाई वैसे का वैसे आ जाएगा क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है। मतलब एक्स को विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करना पड़ेगा सिर्फ। सो अगर एक्स को विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट किया तो आंसर आएगा वन। सो यहाँ पे वन, राइट। एंड उसके बाद अब हम प्लस आता है, अब हम इसके बाद इसको साइड में रखेंगे, दैट इज वन माइनस एक्स अपॉन वाई, और इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे। अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे चेन रूल वाली चीज़ लगेंगी, जहाँ पे मैंने जो मैंने यहाँ पे बोली थी। सो एक बार डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो ई रेस टू एक्स अपॉन वाई, और उसके बाद इसको फिर से विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सो अगर एक्स अपॉन वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया तो वन अपॉन वाई तो बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है, और अगर एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया तो आंसर आएगा वन, इसीलिए लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। ये आ गया। अब कैसे करेंगे, e रेस टू एक्स अपॉन वाई दोनों में सेम है तो इसलिए हम कॉमन ले लेंगे, और ब्रैकेट में आएगा
माइनस वन अपॉन वाई, उसके बाद दिस इंटू दिस दैट इज प्लस वन अपॉन वाई और माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। मतलब दिस इंटू दिस ये आया और दिस इंटू दिस ये आया, ठीक है। अब ये और ये कट हो जाएगा और हमें मिलेगा e रेज टू x अपॉन y, उसके बाद ब्रैकेट में माइनस x अपॉन y स्क्वायर, ठीक है। अब इसका आंसर और इसका आंसर दोनों का आंसर सेम है और इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, और उसके बाद DE यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, राइट। अब आगे बढ़ेंगे, ये आ गया, कंडीशन सेटिस्फाई हो चुका है। अब ये सोल्यूशन डाल के डायरेक्टली आंसर निकालेंगे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे द सोल्यूशन इज गिवन बाय, और यहाँ पे ये जो फॉर्मूला यहाँ पे चेप दूंगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम वैल्यूज डालेंगे, बाय द वे ये वाई कॉन्स्टेंट है और ये नो एक्स क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। सो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ m, m यानी कि m का जो भी वैल्यू है वो दैट इज 1 प्लस e रेज टू x अपॉन y, और उसके बाद dx, और उसके बाद प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n, बट यहाँ पे नो x, नो x का मतलब जो n का वैल्यू है उसमें हमें कोई भी x का टर्म यहाँ पे नहीं चाहिए। सो यहाँ पे क्या ये एक ऐसा टर्म है जो जिसमें x नहीं है? नहीं, ये वैसा टर्म नहीं है, मतलब हर एक टर्म में x का कुछ ना कुछ है, तो इसीलिए हम कोई भी टर्म नहीं लिखेंगे, हर टर्म में x है, हमें x का टर्म नहीं चाहिए, इसलिए सिंपली हम इसको इग्नोर कर देंगे एंड इज इक्वल टू c यहाँ पे हम लिख देंगे। सो इसको हम थोड़ा सा स्प्लिट कर देंगे, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x अपॉन y डी x एंड इज इक्वल टू c, राइट। इसको सॉल्व करेंगे, अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आएगा x देन प्लस। अब यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन में क्या होता है, अगर सपोज e रेज टू x को विद रिस्पेक्ट टू x मैंने इंटीग्रेट किया तो आंसर आएगा e रेज टू x, अगर सपोज e रेज टू 2x को मैंने विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट किया तो आंसर आएगा e रेज टू 2x अपॉन 2, मतलब जो x का कोएफिशिएंट है वो नीचे आएगा। अगर सपोज e रेज टू 3x को मैंने विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट किया तो आंसर आएगा e रेज टू 3x अपॉन 3, जो x के साथ कोएफिशिएंट था वो मैंने नीचे लिखा, ठीक है। सो सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी, अगर सपोज इसको विद रिस्पेक्ट टू x हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आंसर आएगा e रेज टू x अपॉन y, और क्या है x का कोएफिशिएंट 1 अपॉन y, सो 1 अपॉन y यहाँ पे नीचे लिखा जाएगा एंड इज इक्वल टू c, राइट। ये मैं रफ कर देता हूँ। अब ये जो y है वो ऊपर जाएगा और हमारे पास मिलेगा x प्लस y e रेज टू x अपॉन y एंड इज इक्वल टू c, ये आपका आंसर है इसका। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, क्वेश्चन में गिवन ये है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे तो सबसे पहले इसको स्टेटमेंट नंबर 1 दे देते हैं, इसका मतलब ये है कि जो y का वैल्यू है वो 4 है और जो x का वैल्यू है वो 0 है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 0, सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, सो दैट इज 0 प्लस 4 e रेज टू 0 अपॉन 4 दैट इज 0, और e रेज टू 0 इज इक्वल टू 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है एंड इज इक्वल टू c। तो बेसिकली c इज इक्वल टू 4, ठीक है, और इसी 4 को या इसी वैल्यू को हम स्टेटमेंट नंबर 1 में वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो हमें मिलेगा सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, x प्लस y e रेज टू x अपॉन y एंड इज इक्वल टू 4, और ये आपका फाइनल आंसर है। व्हाट्सअप प्लानटो जसामी, ये जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो इसके मैंने मॉड्यूल वाइज और सब्जेक्ट वाइज नोट्स भी बनाए हैं, नोट्स मिलेंगे आपको एग्जाम में आने वाले मल्टीपल सॉल्व एग्जाम्पल्स एकदम स्टेप बाय स्टेप, जिससे क्या होगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी और एग्जाम में आप बहुत ही ज़्यादा इजीली पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर पाओगे और अल्टीमेटली अपने पॉइंटर्स बढ़ा पाओगे। इसीलिए अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और नोट्स परचेज कीजिए, और ये जो सब्जेक्ट है इसको मैंने मॉड्यूल वाइज और सब्जेक्ट वाइज इन दो प्लेलिस्ट के अंदर पढ़ाया हुआ है, और इसलिए आप यहाँ पे जाके पूरा का पूरा सब्जेक्ट मॉड्यूल वाइज या सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे देख सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करके आप मेरी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि अगर आप मेरी हेल्प करोगे तो मैं आपकी और ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर पाऊंगा, और इससे हम दोनों साथ में मिलके अपने अपने गोल्स को जल्दी से अचीव कर सकते हैं, राइट। इसीलिए अभी का अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।